तो राम राम किसान भाइयों, अभी धर्मेंद्र जी से मैंने मिलवाया, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और थक भी गए होंगे बैठे बैठे, तो 10-15 मिनट अपन जो है जल्दी जल्दी बात कर लेंगे, ऐसा बहुत लंबा नहीं। आप लोग देखो पहले से खेती करते आ रहे हो, मेरे से कई जो हैं बुजुर्ग भी हैं जो खेती हो सकता है मेरे से ज़्यादा समझते हो फसल को, खेत को, खेती को। आप लोग बात नहीं करेंगे तो अपनी बात जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हाँ बात करोगे तो लंबी चलेगी, क्योंकि फिर तो किसान भाइयों, जैविक मतलब कोई भी खाद या कोई भी चीज जो सीधे हमको प्रकृति से मिलती है, जो बिना केमिकल के बनी हुई है या जो फैक्ट्री में नहीं बनती है, वो सभी चीजें जैविक में आती हैं। जैसे डॉक्टर ने यूं बोला कि आपकी हड्डी कमजोर है, तो अपने पास दो उपाय होते हैं। पहला उपाय होता है कि हम जाके गोली ले आए कैल्शियम की, सभी लोगों को पता है भाई हड्डी मजबूत करने की दवाई डॉक्टर दे देगा। दूसरा उपाय क्या है कि हम दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें खाएं। तो ये जो दूध से बनी हुई चीज़ें खाने की बात है, ये क्या हो जाता है, वो जैविक है, वो ऑर्गेनिक है। तो इसी तरीके से ये जितनी भी तरीके की खाद हैं, इन सभी को बनाने के लिए हम लोग ऐसी चीज़ें लेते हैं जो प्रकृति से हमको मिली हैं, मतलब फैक्ट्री में नई बनी हुई चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होती हैं और आपके लिए जो है सभी के लिए लाभदायक होती हैं। अब एक एक करके काफ़ी सारी चीज़ें जो है रंगलाल जी ने बता दी थी, फिर भी कुछ एक बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे संपूर्णा में काफ़ी लोगों को जो है कंफ्यूजन हो गया था, भाई संपूर्णा क्या है ये, तो इसमें माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, एनपीके, सभी तरीके के जीवाणु एक ही थैले में आपको मिल जाते हैं। जैसे सोसाइटी वाले कल्चर के पैकेट देते हैं अपने को, अपन क्यों नहीं लेते उनको काम में, क्यों नहीं लेते बताओ कोई कारण? वो कल्चर का जो पैकेट देते हैं वो जीवाणु ही होते हैं वो कल्चर के, क्यों नहीं लेते हम लोग काम में? हाँ आड़कस किस चीज़ का है कि उसको गोबर की खाद में मल्टीप्लाई करो, फिर खेत में डालो, तो इतनी गोबर कहाँ से लाएं, गोबर की खाद, फिर मिलाए कौन और मिला के उसको पलटे कौन, 15 दिन बाद फिर खेत में डाले कौन? तो हमने क्या किया, जितने तरीके के जीवाणु होते हैं सभी एक ही थैले में कर दिए, माइकोराइजा भी, ट्राइकोडर्मा भी, सूडोमोनास भी और एनपीके कंसोर्टिया भी, ये सभी जो हैं एक ही में मिल जाते हैं। 20 किलो का थैला एक एकड़ में आप डालोगे तो 20 किलो जो है पूरा पड़ जाता है। कुछ एक इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा और बता दूं, जहां अटक गए थे रंगलाल जी, कि जैसे माइकोराइजा है, माइकोराइजा क्या होता है, एक मित्र फफूंद है, फफूंद जैसे अचार के ऊपर लग जाती है, आप लोगों ने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद, तो इसी तरीके से ये लाभदायक वाली, वो नुकसानदायक है क्योंकि अचार को ख़राब कर देती है, और माइकोराइजा जो इसमें डली है लाभदायक है। ये क्या करती है, जड़ पे चिपक गई और जड़ पे चिपक के ऐसे लंबे लंबे धागे ज़मीन में फैला देती है, जिससे कि जड़ें समझ लो कि गेहूं है, इतनी है गेहूं की जड़ें, ठीक है, तो जड़ें यहाँ 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 तक की ले सकती है पानी और पोषक तत्व। अब समझ लो हमने डाल दिया माइकोराइजा, तो माइकोराइजा ये जड़ों पे चिपका, ऐसे धागे लंबे लंबे हो जाते हैं उसके, जैसे अचार की फफूंद के होते हैं वैसे, मगर ये धागे ऐसे लंबे चलते हैं यूँ। अब यहाँ तक अगर इसके धागे आ गए हैं तो ये इतनी दूरी का जो है पानी भी ले लेगा और इतनी दूरी का जो है ये खुराक भी ले लेगा। तो इसको डालने से क्या होगा, पौधे में जो तीस बनती है, प्यास बनती है, वो नहीं बनती है, पौधे में पानी देने की जो जरूरत है वो कम रहती है अगर संपूर्ण आप बुआई के टाइम पे डाल देते हैं। तो जैसे मूंगफली है, मूंगफली में बुआई में हमको क्या क्या डालना है, तीन चीज़ें डालनी है मेन। पहला टेराफोस, जो डीएपी की जगह पे हम डाल रहे हैं, डीएपी नहीं डालेंगे, डीएपी की जगह पे हम डाल रहे हैं टेराफोस, जिसमें फॉस्फोरस है जो डीएपी को जरूरत को ख़त्म कर देता है। कंपनी ने जो खाद बनाई है ये विकल्प है, विकल्प मतलब कि आपको मैं बोलूं जी, जैसे कई बोलते ना जैविक करो जैविक करो, तो जैविक करो मतलब क्या बोलेंगे, डीएपी मत डालो, यूरिया मत डालो, पोटास भी मत डालो। फिर किसान बैठा बैठा सोचता है फिर मैं डालूं क्या, फिर भाई खेत में तो डीएपी की जगह तो डीएपी डालना पड़ेगा और पोटास की जगह पोटास चाहिए और यूरिया की जगह यूरिया भी चाहिए,
तो उन सभी के जो हैं ये जो खाद हैं आप देख रहे हैं ये उनके विकल्प हैं, ठीक है। जैसे पहले टेरिकोट के कपड़े ज़्यादा चलन में आए, फिर हम सब समझ गए कि भाई टेरिकोट गर्म रहता है, मजबूत ज़रूर है पर शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और फिर अपन वापिस सूती पहनने लग गए, कॉटन के कपड़े पहनने लग गए, आजकल नए नए लड़के भी कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं। फिर बीच में पहले सभी लोग सूती और खादी पहनते थे, तो उसी तरीके से खेती में भी ये बदलाव आया है कि हम सबको पता है कि टेरिकोट का कपड़ा अच्छा नहीं है, उसी तरीके से जो रासायनिक खाद है वो अच्छी नहीं है, सबको पता है, सबको पता है चीनी खाने से शुगर होएगी, शरीर को नुकसान होएगा, पर गुड़ नहीं खरीदेंगे और ख़रीद के अपन चीनी ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो हमारी आदत में हो गई ये सब चीज़ें, सबको पता है चीनी से बीमारी होगी, गुड़ से नहीं होगी, तो गुड़ जो है वो जैविक है और चीनी जो है आपकी रासायनिक है, तो जिस तरीके से चीनी शरीर पर नुकसान करती है उसी तरीके से जो है ये जो खाद केमिकल वाली जो होती है ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो खाद जो बनाई गई है बहुत बढ़िया और आपकी ज़रूरत के हिसाब से बनी हुई है, ठीक है। तो संपूर्ण आप लोगों को बताई दिया, फिर इसमें ट्राइकोडर्मा की भी बात चली थी एक बार, वहाँ भी आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था, ट्राइकोडर्मा कैसे करता है काम, ट्राइकोडर्मा कैसे करता है काम, मिलता है बाज़ार में, वो बाज़ार वाले की भी बात चली कि भाई ये कम समय के लिए चलता है, वो कम समय क्यों चलता है, क्योंकि उसको पाउडर में डाल के वो देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद पाउडर होता है, तो उस पाउडर में उसके जो अंडे होते हैं फफूंद के जो, वो ज़िंदा नहीं रहते लंबे समय तक के लिए। और तो ट्राइकोडर्मा क्या करता है, माइकोराइजा तो मैंने बता ही दिया, ऐसे धागे की तरह जुड़ेगा और दूर दूर से पोषक तत्व और पानी ला देगा। ट्राइकोडर्मा क्या करता है कि ये जड़ें हैं तो इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है वो, जैसे समझ लो मेरे हाथ को मुझे पानी से बचाना है तो मैं तेल लगा लूँ इसके ऊपर पूरे पे, फिर मैं पानी में दे दूँ तो गीला नहीं होएगा, तो उसी तरीके से जो ये ट्राइकोडर्मा है ये जड़ों के ऊपर एक कवर बना लेता है, जिसकी वजह से जो है कोई भी नुकसानदायक वाली फफूंद है अब वो नहीं लगेगी, जैसे जिससे जड़ गलन होता है, जिससे काली जड़ की आपकी समस्या है, या पौध में डंपिंग ऑफ आ जाता है, जैसे पौध ये जो ज़मीन के ऊपर इतनी रहेगी तो वहीं से गलकेर पौध गिर जाती हैं, टमाटर की गिरती हैं, मिर्ची की गिरती हैं, तो वो जो बीमारी है पौधे के गिरने की या जड़ के गलने की या जड़ के काले होने की, तो आप अगर ये बुआई के समय ही डाल देते हैं मूंगफली में अभी जैसे आप अगर लगाएंगे या गुआर में लगाएंगे तो ये सब बीमारियाँ आपकी जो है नहीं आएंगी इसकी वजह से सिर्फ। और तीसरा जो अगर मूंगफली कर रहे हैं तो पोटाश आप दानेदार शुरू में भी डाल सकते हैं, क्योंकि पोटाश ऐसा ज़रूर है कि पोटाश की ज़रूरत जो है फसल पकते समय ज़रूरत होती है, दाना भर रहा है या फल बन रहा है, मगर पौधा को जो है पोटाश की ज़रूरत पूरी फसल चक्र में उसको ज़रूरत होती है, भले ही शुरू में कम ज़रूरत होती है और जब फल बनने लगता है तो उस टाइम पर ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ये वाले जो पोटाश है अपने वाला, इसमें दो फायदे हैं, एक तो इसको आप खड़ी फसल में डाल सकते हैं, ये जलाएगा नहीं पत्ते, जैसे जो MOP खाद आती है, जो पोटाश पहले मिलता था, जैसे अभी भी मिलता है अब तो कलर अलग भी आने लग गया, पहले मिर्ची नमक के घोल जैसा आता था वो पाउडर, जैसे मिर्ची नमक का पाउडर आता है, आप उसको छींटा मार दो तो जहाँ भी गिरेगा पत्ता जला देगा या फल को जला देगा, तो ये वाले में ये समस्या नहीं है पोटाश में, ये जैविक पोटाश है। केमिकल में और क्या समस्या होती है, रासायनिक में, रसायन जब भी पानी से मिलता है तो उससे संबंधित तेजाब बनाता है वो, इसीलिए है इसकी डोज 10 किलो से शुरू है, देखो जितना बड़ा फल उतनी ज़्यादा पोटाश की ज़रूरत है। रेट दुकान वाले को ही पता है साहब क्या रेट में देते हैं, वो आप उधर जाके पूछोगे तो बताएंगे, बाकी मिलेगा वाजिब रेट पे, ऐसा नहीं, अभी तो MOP भी बहुत महंगा हो गया, उससे तो कम रहेगा ये, नहीं उससे कम रहेगा लगभग, वो तो 1800-1900 का 50 किलो का कट्टा हो गया, नहीं इससे कम वाले भी है ना अपने पास, शक्ति पोटाश है अपने पास में, हाँ शक्ति पोटाश है, वो डालो आप। और ये जितनी भी खाद हैं इन सभी खाद के अंदर जो है कार्बन विशेष तौर पे,
कृषि वैज्ञानिक आते हैं आपके यहाँ मीटिंग करते हैं, तो वो बोलते होंगे आप लोगों को कार्बन बढ़ाओ कार्बन बढ़ाओ, जमीन के अंदर कार्बन नहीं होएगा तो जमीन का उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। हाँ जी तो कृषि पर्यवेक्षक, तो कार्बन के ऊपर विशेष जोर है। देखो जमीन में एक मिनट रंगलाल जी, तो जब भी जमीन में कार्बन घटेगा, पहले जमीनों में क्या आप लोग गोबर की खाद डालते थे तो जमीन में कार्बन नहीं घटता था, जैसे हरित क्रांति के लिए बोला रंगलाल जी ने, तो पहले क्या था कि गोबर की खाद भी डलती थी तो डीएपी यूरिया भी डलता था तो बैलेंस बना रहता था। अभी क्या है कि गोबर की